गुर्जर सहित पांच जातियों को आरक्षण प्रदान करने वाले एसबीसी आरक्षण विधेयक को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से जस्टिस एस के गर्ग कमेटी और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की बेंच में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉक्टर अभिनव शर्मा ने कहा कि सरकार ने दबाव में आकर एक ही दिन में आरक्षण दिया है, ऐसे में सरकार की ओर से अपनाई गई पूरी प्रक्रिया संदेह में है। वहीं सरकार की ओर से महाधिवक्ता एम एस सिंघवी ने कहा कि सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से दिए गए 10% आरक्षण की तरह ही गुर्जर सहित पांच जातियों को आरक्षण दिया है। यह आरक्षण जस्टिस एस के गर्ग कमेटी और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 29 मई को होगी। उसी दिन अदालत अपना फैसला सुना सकती है।